आज की हम इस ऑनलाइन में बात कर रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग की। जैसे कि हमने बताया कि मुझे अगर इस कॉलन में, कॉलन ए हमारा है, इस कॉलन ए में मुझे अगर चेक नंबर लिखना है, मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया चेक, चेक नंबर लिखना है, तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं 00123 कहूँ तो 0 एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कोट लगाते हैं और यहाँ पे नंबर देते हैं, तो ये हमारे पास नंबर आपके सामने दिख रहा है। तो मुझे पूरे कॉलन में चेक नंबर ही लिखने हैं, तो हर बार सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम लोग फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे बगैर सिंगल कोट लगाऊ लगाए कुछ भी लिखूंगा तो टेक्स्ट में ही जाएगा। यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला देता हूँ कि इक्वल हम यहाँ सम देते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सम का फॉर्मूला परफॉर्म नहीं होगा, राइट सर? सर सम के बारे में, सर A1:A3 का क्या रेशियो है सर? A1 से स्टार्ट और A3 से चलता है। ठीक है सर। ठीक है, मैं A1 से लेकर तो सम करेगा, इसके बारे में बताऊंगा। मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी फॉर्मूला भी परफॉर्म नहीं करेगा जब आप इसका यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट का यूज करते हैं तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको किसी ने चेक नंबर दिया है और उसने 0 नहीं लगाया है, इस तरह से दे दिया, इस तरह से सिंपल नंबर लिख के दे दिया, अब आपको इसकी प्रिंट करना है और आपको बैंक भेजना है और आपको चेक चाहिए, तो कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस से चाहिए तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए, नंबर पे जाइए, कस्टम पे जाइए और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 0 दे दीजिए एंड ओके। तो यहाँ पे आपको 6 डिजिट मेंटेन करना, लेकिन सिर्फ विजुअल है। अगर आपने कहीं पे सिंगल कोट लगा के 1100125 लिखा तो ये दोनों आपस में लॉजिकल ऑपरेटर से इक्वल नहीं होंगे, मतलब कि वी लुक अप फॉर्मूले वगैरह इस पे एक नहीं समझेगा, क्योंकि ये ए सिर्फ 125 है, ओरिजिनल विजुअल है 00125। सो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन आप आपको मान लीजिए कुछ ऐसा चाहिए कि नहीं, मुझे यहाँ पे इसको विजुअल नहीं चाहिए, मुझे इस पे विजुअल नहीं चाहिए, तो क्या करें? तो अगर आपको मुझे मुझे इस पे विजुअल नहीं चाहिए तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टेक्स्ट, और टेक्स्ट फॉर्मूले में इसको सेलेक्ट करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 3 4 5 6 सिक्स बार किया। सिक्स बार क्यों किया? क्योंकि चेक नंबर 6 6 डिजिट का होता है, ठीक है? समझाया सर आपको? किसी को हाँ डाउट? सर, नो सर। तो अगर कस्टम फॉर्मेटिंग की कोड को अगर आप एक्चुअल में चाहिए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9 और 10 में अभी कोई नहीं है। म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। बिस्कुट अच्छे। अब इसी तरह से आगे और क्या क्या हो सकता है, चलिए इस पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो यहां पे अगर मान लीजिए कि मेरा
मोबाइल नंबर है, अब मोबाइल नंबर हम टाइप करते हैं तो मोबाइल नंबर में क्या हो जाता है कि प्लस 91 अगर हम लगाते हैं जैसे कंट्री कोड जो यहाँ पे नंबर देते हैं तो प्लस 91 एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि प्लस से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है, इसलिए प्लस 91 एक्सेप्ट नहीं करता है। अब मैंने नंबर लिख दिया है तो कैसे करें, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, कस्टम पे आएंगे और यहां पे हम प्लस 91 देंगे और यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टेन टाइम हम जीरो डाल के ओके करेंगे। अब क्या होगा कि अब मैं इस पे डबल यहाँ पे 8 0 2 5 7 9 3 डबल एट करके एंटर मारा तो आप यहाँ इसको देखिए प्लस 91 अपने आप यहाँ पे लग गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर नंबर कम डिजिट का होगा तो जीरो आगे लगा देगा जिससे ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें सही नंबर है गलत नंबर है, तो मुझे इसमें जीरो डिजिट को मेंटेन नहीं करना है। तो वही पे जहां पे हमने जीरो दिया था वही पे मैं हैश दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैश आ गया। अब हैश और जीरो में क्या डिफरेंट है ये हम अभी आपको आगे की क्लासेस में सिखाएंगे। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास अगला टॉपिक है मान लीजिए कि आईडी, जैसे मैं आपको मेरे मीटिंग आईडी है हमारा देते हैं तो हर तीन डिजिट के बाद डैश होता है, तो यहाँ हम ऑप्शन पे आते हैं, कस्टम पे आते हैं और यहाँ पे हम तीन बार हैश लिखते हैं और या जीरो लिख लीजिए और डैश देते हैं। अब नंबर लिखूंगा तो हर थ्री डिजिट के बाद वो डैश को ऐड कर देगा कुछ इस तरह से। ऐसे अगर आप अकाउंट नंबर लिखते हैं तो अकाउंट नंबर हमेशा 13 डिजिट का होता है, जैसे आप 11 डिजिट के बाद 12वां डिजिट लिखते हैं, यहाँ पे 11 डिजिट दिख रहा है, 12वां डिजिट जैसे मैंने दिया वो साइंटिफिक फॉर्मेट में हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप कस्टम पे जाए और एक हैश यहाँ पे लगा दें एंड ओके करें कि आपका हो जाए। लेकिन ध्यान रहे ये 15 डिजिट से ज्यादा नंबर कैरी नहीं करता है, 12 है 13 14 15 15 डिजिट तक आपको दिख रहा है, जैसे 15 डिजिट से मैं 16 डिजिट ऐड करूंगा वो इसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ये है डेटा है हमारा जो एक्सेल है या कंप्यूटर है वो 15 डिजिट तक की कैलकुलेशन के लिए बना है, इसलिए वो नंबर को एज ए नंबर फॉर्मेट 15 डिजिट तक ही लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। अगर इससे ज्यादा अगर आपको लिखना है तो फिर वो टेक्स्ट फॉर्मेट में सिंगल कोट लगा के आप 32,000 समथिंग नंबर्स को या कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को, किसी को डाउट किसी तरह का? आकाश जी किसी तरह का डाउट? नहीं सर कोई डाउट तो नहीं, बढ़िया चल रहा है। चलिए सर ये जो नीचे 32 आपने 32 डिजिट्स का लिखा हाँ, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हुआ ना फिर? हाँ टेक्स्ट श्रीवास्तव जी टेक्स्ट फॉर्मेट में हुआ। ओके ठीक है ना, मतलब कि नॉन कैलकुलेटिव डेटा आप 32,000 समथिंग जो है इसका है वहां तक जा सकते हैं लेकिन कैलकुलेटिव डेटा 15 डिजिट तक ही जाए। ओके सर। अब इसमें आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे कि आखिर जीरो और हैश का क्या फंडा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1500 लिखा और मुझे यहाँ पे एमआरपी 1500 चाहिए इस तरह, तो अब एमआरपी हमने मैनुअल लिख दिया, अब किसी भी टेक्स्ट नंबर साथ में लिखा हो तो टेक्स्ट ही होता है और उस पर आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन को नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मैं यहाँ पे किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है
तो मुझे कुछ ऐसा ही दिखाना है बट कैलकुलेशन करना है, तो आप किसी भी नंबर के आगे पीछे प्रीफिक्स सफिक्स लगा सकते हैं। जैसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ लिख दिया एम आर पी, इन्वर्टेड कॉमा लिखना होगा एम आर पी। अब मैं इसके आगे पीछे कहीं भी हैश वगैरह जीरो वगैरह नहीं लगाता हूं तो सिर्फ एम आर पी दिखेगा, आपका जो नंबर है वो नंबर नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पे नंबर भी चाहता हूँ और एम आर पी भी चाहता हूँ, तो मुझे इसके आगे जो है जीरो लगाना होगा या हैश लगाना होगा। तो मान लीजिए हमने दो जीरो लगा दिया तो दिख रहा है, तो अब यहाँ पे जब फाइव करूंगा तो जीरो फाइव हो जाएगा। तो जीरो लगाने का बेनिफिट यही रहा कि वो दो डिजिट मेंटेन कर दिया। अगर आप हैश लगाते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ फाइव, तो हैश और जीरो लगाने पे आपका नंबर शो होगा और आगे पीछे जो प्रीफिक्स सफिक्स आप लगाना चाहते हो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बीस रुपए और छत्तीस पैसे लिखा हुआ है, तो मैं इसको कस्टम में आता हूं और देता हूं जीरो हैश और यहां पे देता हूं इन्वर्टेड कॉमा में रुपीज रुपीज डॉट जीरो जीरो एंड पैसे, तो इस तरह से दिखेगा 20 रुपीज 36 पैसे। अब क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ पे दो जीरो क्यों लगाया, दो जीरो लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 30 50 पैसा लिख दिया तो यहाँ पे जीरो जीरो रुपीज 50 पैसा दिख रहा है जो कि थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे दो हैश दे दूं। तो दो हैश देने पे क्या होगा, रुपीज 50 पैसा दिखेगा ये और लगेगा। तो चलो मैं एक जीरो दे देता हूँ, मैं दो हैश क्यों दिया, एक जीरो दे देता हूँ, एक जीरो पे जीरो रुपीज 50 पैसा दिख रहा है सही है, लेकिन 5 रुपए अगर 85 पैसे दिखा तो 5 दिया 05 नहीं दिया, मुझे यहाँ पे 05 भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कस्टम में आया और यहाँ जीरो के बाद एक हैश दे दिया ताकि अब वो दो डिजिट होगा तो मेंटेन करेगा। तो जीरो और हैश का फंडा कस्टम फॉर्मेटिंग में समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को किसी तरह का डाउट? हरिकेश गौतम जी, कमलेश जी एंड सोबित जी, कोई डाउट इसमें? नो सर, नहीं सर। सोबित जी आपने दो बार ज्वाइन किया हुआ क्या सर? वो लैपटॉप पे वो आपके ऑडियो नहीं आ रहा है, तो मैंने मोबाइल से ऑडियो है। और ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो चेक करता हूं। ठीक है सर, अगरम जी के डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए, एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ, ये अपन जैसे एमआरपी में जो कस्टम करके कन्वर्ट करके उसमें एमआरपी और आगे डिजिट में लिया, पर इसको आगे किसी सम में लेना है तो फिर वापस उसको कस्टम से हटाना पड़ेगा ना? हाँ, तो एमआरपी जो है विजिबल है, मुझे आप देख रहे हैं ना सर, ओरिजिनल नहीं है, विजिबल है, एक्चुअल में नंबर हाँ। आपका इतना ही है, क्योंकि याद रखिएगा स्प्रेडशीट रूल कहता है कि किसी भी फॉर्मेटिंग से ओरिजिनलिटी को बदला नहीं जा सकता, जस्ट विजिबिलिटी को बदला जा सकता। एक्चुअल में वैल्यू आपका 15,564 ही है। अगर आप ये एमआरपी हटाना चाहते हैं ना सर, कुछ नहीं करना है, पर जनरल फॉर्मेट कर दीजिए, आपका हट जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन? अभी तक किसने को नहीं मिला रिकॉर्डिंग की परमिशन? अच्छा, आपने दोबारा ज्वाइन किया? रिकॉर्डिंग होता है सर। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 15,000 रुपया लिख रहा हूँ, 15,000, राइट? और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो 15,000 है वो सिर्फ 15K, मुझे इसमें जस्ट 15K, तो राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया और मैं यहाँ कस्टम में
एक हैश और दो एक हैश और कॉमा दे दी, तो ये आपका अमाउंट इन थाउजेंड हो गए। अब मैं इसमें कुछ देना चाहता हूँ 50K, तो दे दीजिए 50K, 15K। तो अगर मैं अमाउंट यहाँ जैसे मान लिया 85,000 लिखा, तो सिर्फ 85 ही लिखेगा। अगर इस पे किसी तरह कैलकुलेशन हुआ कि मान लीजिए मैंने इसमें 1,000 जोड़ दिए, तो अभी 86 बनता है। तो विजिबिलिटी इसलिए हुआ क्योंकि विजुअल है, इसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन को अपने हिसाब से ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, अब इसमें आगे सर, इसमें अगर हमने डेसिमल सॉरी जीरो एक बढ़ाया अगर, हाँ वो 100 हो जाएगा। जैसे आप ये बोल रहे कि मान लो 850,000 हुआ, 850 की हो जाएगा। ओके ठीक है। ओके अब इसके से अमाउंट इन लाख में करोड़ है, लाख में नहीं होता, करोड़ का कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जाइए 0.0 और यहाँ पे मैं डबल कॉमा कर दूंगा, तो अमाउंट इन करोड़ में हो जाएगा। ठीक है, बीस करोड़ 5,00,000। सर ये कॉमा नंबर ऑफ डिजिट्स को डिनोट कर, हाँ वो अमाउंट लाख से कर देता है, करोड़ में से लाख में करोड़ में कन्वर्ट कर। ऐसे अगर आपने टाइम दे रखी है तो टाइम का अपना फॉर्मेट है, उसके अलावा आप टाइम में जाके अपना खुद के फॉर्मेटिंग या आप बने हुए हैं ले सकते, या कस्टम पे आके अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग चाहिए। जैसे कि डी जो डिनोट करता है डे का, यहाँ देखिए डे आपका डे 1-3 के फॉर्मेट में आ गया, दो बार डी करता हूं तो यहाँ पे आपका 0-1-2 के फॉर्मेट में आता है, 3 बार करता हूं तो ये हो जाता है शॉर्ट नेम, 4 बार करता हूं तो ये आपका कंप्लीट मंथ कंप्लीट आता है, डेट आ जाता है थर्सडे थर्सडे वगैरह। फिर यहाँ पे अगर मैं एम करूं तो महीना 1-3 के फॉर्मेट में, 2 बार एम किया तो यहाँ पे आपको आ गया महीना, ठीक है 0-1-3 के फॉर्मेट में, 3 बार किया तो यहाँ पे मंथ का नेम शॉर्ट फॉर्म में, 4 बार किया तो फुल फॉर्म में, 4 से अधिक किया तो ये आपका शॉर्ट नेम आ जाता है, मंथ का फर्स्ट लेटर, तो सितंबर का एस आ गया। 4-5 से अधिक बार करेंगे तो फिर फुल सितंबर आ जाएगा, उस तरह से ईयर। अब ये आपके पास हो गया MMDDYY। अब ये उसको अपने मर्जी से जिस सीक्वेंस में जैसा लिखना चाहो आप लिखो, आपका डेट उसी तरह से बनेगा। क्लियर है डेट का? यस सर। अब इसमें टाइम होता है, तो जैसे कि अगर आपने टाइम लिखा तो टाइम को भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे टाइम हमने लिया यहाँ पे, तो टाइम फॉर्मेट तो ऑलरेडी है, इसके अलावा कस्टम में आपके पास मिलता है H4 आवर्स, M4 मिनट और S4 सेकेंड। उसके बाद AM PM चाहिए तो AM/PM इसको आगे और पीछे अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन टाइम कन्वर्टिंग जैसे माने 42 घंटे या 45 घंटे 20 मिनट हुआ, मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ 10 बड़ी ब्रैकेट मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर M लिख दीजिए, ये मिनट में कन्वर्ट होगा। लेकिन मिनट में कन्वर्ट हुआ तो जस्ट विजुअल हुआ, ओरिजिनल नहीं हुआ सर। आप चाहते हैं कि ओरिजिनल करना है, हमें करना है कि 2720 ओरिजिनल आ जाए, हम कैलकुलेशन कर सके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमने शुरुआत में बताया था टेक्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पे हम टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टेक्स्ट, और इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा डीडी नहीं बड़ी ब्रैकेट में एम, आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया। ऐसी मैं इसमें बड़ी ब्रैकेट में करूंगा एस, तो ये हमारा एस सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? यस सर। अब बारी आती है कि इसमें और आगे एडवांस चीजें, तो उसको करने से पहले हमें आपको एक आर्टिकल देना होगा, ठीक है? तो आपके व्हाट्सएप पे मैं एक आर्टिकल आपको भेज रहा हूं, राइट सर? ये माइक्रोसॉफ्ट की आर्टिकल है जिसके जिसमें दिया हुआ है क्या बोलते हैं उसमें, हाँ, जिसमें दिया हुआ है कस्टम फॉर्मेटिंग की पूरी डिटेल्स। तो आगे इस चीज को पढ़ने के लिए आपको ये चीज आना चाहिए। तो मैंने आपको वो लिंक भेज दिया, सबको मिल गया है ना, व्हाट्सएप पे भेजा मैंने। तो इस आर्टिकल को आप एक बार अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, फिर हम आगे कल इस पे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो फोन करके पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। तो कल मिलते हैं सेम टाइम सर। आप लोगों के पास कोई डाउट या क्वेश्चन होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर या मेल कर दीजिएगा या फोन कर लीजिएगा। अब कल हम बात करेंगे उस आर्टिकल में दिए गए कंसेप्ट के बारे में जिसको हम बोलते हैं एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के बीवीए में ये हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और बहुत सारे जगहों पर हमें फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है, नंबर फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो कल हम इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी आपके साथ करेंगे लाइव, जो कि ऑफिस पे प्रोजेक्ट होते हैं उस तरह का। तो कल सेम टाइम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जूम वाले की आईडी सेम होगी। ओके सर। ओके, बाय, गुड नाइट।